ये पता नहीं चल पा रहा है, कोई साथी आए तो बताए कि लाइव हो रहा है या नहीं। मन कामना शुक्ल जी आ गए हैं। मन कामना जी बताइएगा आवाज़ जा रही है कि नहीं, फिर शुरू करेंगे। मन कामना भाई नमस्कार। तो कुछ साथी जुड़ जाएं दो एक मिनट में, उसके बाद कुछ कविताएं मैं लेकर आया हूं अपनी और आप लोगों को सुनाऊंगा मैं। जी जी आवाज़ जा रही है। मन कामना शुक्ल जी शुक्रिया। तो दो एक मिनट हम इंतज़ार करते हैं, कुछ साथी जो जुड़ना चाह रहे होंगे वो जुड़ जाएंगे तब तक, और उसके बाद मैं कुछ कविताओं को सुनाऊंगा अपनी। जी जी तो देवेंद्र जी का कहना था कि कुछ ऐसी कविताएं जो मेरे कविता संग्रह जो भी हाल ही में आया था, मैं सीखता हूँ बच्चों से जीवन की भाषा, उससे भी सुनाऊँ और कुछ जो अपनी स्वतंत्र रचनाएं हैं उनको भी सुनाऊँ। तो मैं कुछ कविताएं लेकर बैठा हूँ इसी तरह की, और सुनाना शुरू करता हूँ, जो साथी आएंगे वो जुड़ते रहेंगे। एक कविता मैं सुनाता हूँ, कविता के ऊपर ही लिखी है एक कविता, शीर्षक है एक दिन। एक दिन कागज के पन्नों से निकलकर उड़ने लगेंगी कविताएं। एक दिन कागज के पन्नों से निकलकर उड़ने लगेंगी कविताएं, वे सतरंगी ध्वज बनकर फहरने लगेंगी आसमान में, बादल बनकर बरसने लगेंगी सूखे खेतों में और लहलहा उठेंगी फसल बनकर। एक दिन कविताएं उड़कर जाएंगी सरहद पार, दुश्मन देश के लोगों को देने दोस्ती का संदेश, जंग के मैदान में मंडराएंगी बनकर सफ़ेद कबूतर। एक दिन कविताएं उगाएंगी बुढ़िया के घर की उस कच्ची भीत पर, जो दे जाएगा जवाब अगली ही बारिश में, वहीं कविताएं तन जाएंगी बनकर छप्पर। एक दिन कविताएं चुप्पियों के समंदर में घोल देंगी आवाज़ का रंग। एक दिन कविताएं चुप्पियों के समंदर में घोल देंगी आवाज़ का रंग, वे उतर पड़ेंगी सड़कों पर किसी सैनिक की बेवा के लिए, तमगे के अलावा रोटी की मांग पर। एक दिन कविताएं नहीं रह जाएंगी महज कविताएं, वे बन जाएंगी रोटी, पानी, नमक, हवा, नींद, हंसी, घर। तो ये पहली कविता मैंने आपको सुनाई अपनी। एक बार कंफर्म करेगा कोई आवाज़ जा रही है तो मैं कंटिन्यू करूँगा ठीक से, कई बार आवाज़ में समस्या आ जाती है, तो जो भी देख रहे हैं वो बताएंगे कि आवाज़ जा रही है या नहीं। जी मन कामना जी आवाज़ जा रही। एक कविता है, जब भी मैं, जब भी मैं उठाकर चलता हूँ अपना सर, जब भी मैं उठाकर चलता हूँ अपना सर, मुझे देखकर हंसता है आसमान, और जब निगाहें नीचे करके निकलता हूँ तब मुस्कुराने लगती है मेरे पैरों के नीचे की धरती। जब भी मैं उठाकर चलता हूँ अपना सर, मुझे देखकर हंसता है आसमान, और जब निगाहें नीचे करके निकलता हूँ तब मुस्कुराने लगती है मेरे पैरों के नीचे की धरती। जब प्रशंसा बनाने लगती है मुझ में अपनी जगह, एक फूल खिलता है और मुरझा जाता है मेरी ही आँखों के सामने। अपने बड़े से घर में रहते हुए जब भी एक अजीब सी खुशी से देखता हूँ छोटे घरों को, मछलियाँ मेरे सपनों में आकर ले जाती हैं मुझे समंदर की अनंत यात्रा पर।
जब कभी मैं अपने लिखे को पढ़ता हूँ किसी प्रशंसक की नज़र से, मेरे पूर्वजों की किताबें सरक कर नीचे गिर जाती हैं शेल्फ से। इस तरह जब भी मैं सीमित करता हूँ स्वयं को, स्वयं में मुझे बचाने और खुद से जोड़ने में लग जाती है पूरी कायनात। तो ये कविताएं हैं जो मैंने अभी हाल फिलहाल में लिखी और अभी एक तरह से आप प्रकाशित कविताएं हैं, ये उन्हीं को मैं पढ़ रहा हूँ। एक कविता भी पिछले दिनों गई है, पिछले दिनों गया है फादर्स डे, पितृदिवस, उस पर लिखी थी पिता को लेकर। अमूमन पिता को लेकर कविताएं अगर हम तुलना करें माता या माँ के मुकाबले तो कम आ पाती हैं। तो कुछ उसी तरह की भावना से कविता है पिता। मेरे पिता कभी खुले नहीं मुझसे, मेरे पिता कभी खुले नहीं मुझसे, एक अजीब सी दूरी रही हमारे दरमियान। हम साथ रहे पर नदी के किनारों और रेल की पटरियों की तरह समानांतर। हम साथ रहे पर नदी के किनारों और रेल की पटरियों की तरह समानांतर, कभी मिले भी तो ना मिलने की तरह। हालांकि जब भी मैं प्यासा, वह चुपचाप उठे भाप सा, बादल बन बरस पड़े मुझ पर, लेकिन कुआं या पोखर नहीं बने कि जब चाहूं बरस सकूं। जब भी घिरा संकटों में वो दोस्त की तरह साथ तो नहीं चले, जब भी घिरा संकटों में वो दोस्त की तरह साथ तो नहीं चले, पर अंधेरी गुफा में किसी अनजान सिरे से झांकती रोशनी सा भरते रहे उमंग। माँ की तरह उन्होंने कभी मेरी उपलब्धि पर नाच गाकर खुशी नहीं मनाई, माँ की तरह उन्होंने कभी मेरी उपलब्धि पर नाच गाकर खुशी नहीं मनाई, बस मेरे जीते हुए तमगों पर अकेले में फेरा हाथ और सहेज लिया उपलब्धि की सूचना देने वाले अखबारों को। आज मेरे पिता जब खेलते हैं मेरे बेटे यानी अपने पोते के साथ, वह इतने घुल मिल जाते हैं उससे जैसे बच्चों में बच्चे और पानी में दूध। लगता है कि बचाए रखा है अब तक बड़ी मेहनत से उन्होंने खुद को, आज के लिए ही इतना कोरा इतना निर्दोष। तो ये एक पिता पर कविता थी जो अक्सर हम पिता के साथ, थोड़ी सी हमारी संस्कृति में एक दूरी रहती है संतान और पिता के बीच में, पर वो दूरी भावनाओं की दूरी मेरे ख्याल से नहीं होती है, तो उसके ऊपर ये कविता थी। कुछ कविताएं जन सरोकार मंच की तरफ से कही कि अपनी किताब, एक किताब मेरी आई है इसी नवंबर 2019 में, मैं सीखता हूँ बच्चों से जीवन की भाषा, तो इसकी एक दो कविताएं मैं सुनाऊंगा। क्योंकि मैं शिक्षक हूँ और मेरे जो कार्य क्षेत्र के अनुभव हैं वो स्कूल और बच्चों के साथ पढ़ने पढ़ाने के दौरान ज़्यादातर वहाँ से बनते हैं, तो इस किताब, इस संग्रह में सारी किताबें शैक्षिक अनुभवों से, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से निकले हुए जो अनुभव थे उनसे बने हुए हैं। तो एक दो कविताएं मैं इसकी सुनाता हूँ। अब वहाँ हरियाली है, उसकी आंखों में फैला था एक उजाड़ रेगिस्तान, उसकी आंखों में फैला था एक उजाड़ रेगिस्तान, और मैं पढ़ा रहा था उसे ऊंचे पर्वत, निर्मल नदियाँ, घाटियाँ, बर्फीली हवाएं। उसमें उगे थे झाड़ बबूल, चल रहे थे गर्म लू के थपेड़े, और मैं दिखा रहा था शंकुधारी वन, देवदार और ताड़ वृक्ष। उसमें रेंग रहे थे सरीसृप, और मैं दुह रहा था चौपाए, मेरे और उसके बीच पसरा था एक विलोम, दरअसल हम दोनों थे दो अलग अलग दुनिया में, मैं उसे खींच रहा था अपनी ओर और वह जम गया था खुद में। एक दिन जब मैं ही पहुंचा उस तक, उसकी आंखों में उतर आए बादल, बरसे टूट कर उमड़ पड़ा समंदर, अब वहाँ हरियाली है। तो ये कविता इस संग्रह से थी, और इसी संग्रह की एक कविता जो उस भाव से लिखी गई है जो एक शिक्षक बच्चों से अमूमन उन्हें पढ़ने के लिए, सोचने के लिए, मोटिवेट करने के लिए अक्सर जिस भाव से
उनको कुछ कहते हैं। कविता का शीर्षक है तुम्हें सिरजनी है धरती। अच्छा, ये कमेंट रुके हुए थे तो दिख नहीं रहा था, नीचे आए हुए हैं काफी। तुम्हें सिरजनी है धरती, पढ़ो कि तुम्हें टकराना है पहाड़ सरीखे पूर्वाग्रहों से। पढ़ो कि तुम्हें टकराना है पहाड़ सरीखे पूर्वग्रहों से, समुद्र से भी विशाल विषाक्त मनों से। जूझना है दंभ के तूफानों से, तुम्हें भिड़ना है अपनों के परायेपन से। निकलना है घृणा की अंधी गली से, पार करना है लोभ कपट के रपटीले रास्ते को। समझना है विभाजन की राजनीति और राजनीति के विभाजन को। समझना है विभाजन की राजनीति और राजनीति के विभाजन को। पढ़ो कि तुम्हें पढ़नी है प्रेम कविताएं। पढ़ो कि तुम्हें पढ़नी है प्रेम कविताएं। लहराना है ध्वज मानवता का, जानना है पूर्वजों का संघर्ष और आज के लिए कल का बलिदान। पढ़ो कि तुम्हें बचाना है संबंधों का ताप, तानना है अपनत्व का अंबर, लगानी है श्रम की बेल, सींचना है अंतस, सिरजनी है धरती। तो ये कुछ उस कविता संग्रह की ही कविताएं हैं जो अभी आई। इसी संग्रह से एक और कविता पढ़ देता हूँ। कविता का शीर्षक है पूर्ण सुंदर लाजवाब। कक्षा में जब मैं हो जाता हूँ पानी, कक्षा में जब मैं हो जाता हूँ पानी, बच्चे बन जाते हैं मछली और तैर जाते हैं मुझ में इस छोर से उस छोर तक। जब मैं बन जाता हूँ हवा वो घुल जाते हैं मुझ में, जब मैं बन जाता हूँ हवा वो घुल जाते हैं मुझ में बनकर खुशबू और फैल जाते हैं हर तरफ। जब मैं होता हूँ पेड़ वो हो जाते हैं चिड़िया, चहचहाते हैं मुझ पर बनाकर बसेरा। और हाँ, जब कभी मैं होता हूँ पहाड़, झरने की तरह वो फूटते हैं मुझ में और बना देते हैं एक सुरम्य वादी मेरे मन की तलहटी में। इस तरह रहकर हमेशा साथ करते हैं वो मुझे पूर्ण सुंदर और लाजवाब। तो ये कुछ कविताएं ऐसी थीं जो उस संग्रह में शामिल हैं। इनके अलावा कुछ कविताएं जो मैंने हाल फिलहाल में लिखी हैं उसको भी सुनाता हूँ। क्योंकि कविता पाठ का ही ये सेशन है तो मुझे लगता है कि इस 30-35 मिनट में जो जितनी कविताएं सुना दूँ वो ज़्यादा सही रहेगा, बजाय इसके कि कुछ बात की जाए। हालांकि प्रश्न रहेंगे कुछ तो उस पर बात भी हो जाएगी। एक कविता है प्रकृति। पहाड़ों को जब भी देखा आंगन में आसमान निहारते पिता की तरह लगे। पहाड़ों को जब भी देखा आंगन में आसमान निहारते पिता की तरह लगे। धरती को जब भी महसूस किया गोद में मेरा सर लिए थपकी देती माँ याद आई। नदियों के पास जब भी गया ससुराल से नैहर लौटी स्नेह की पोटली खोलती बहने लगी। पेड़ मुझे लगे चुपचाप झोली भर भर के आशीष देते दादा दादी की तरह। पेड़ मुझे लगे चुपचाप झोली भर भर के आशीष देते दादा दादी की तरह। बनते रहे मेरा सहारा समय असमय, मवेशी मेरे सहोदर की तरह। यह संपूर्ण प्रकृति मुझ में इस तरह रही आबद्ध कि ये मुझ में भूली रही और मैं इसमें सना रहा। तो ये कविता प्रकृति को लेकर थी जो हम आसपास देखकर महसूस करते हैं। एक आपसी रिश्तों को लेकर जो हम घरों में पति पत्नी या और संबंधों में जीते हुए कई बार कुछ तनाव महसूस करते हैं तो उसको लेकर। मनोवल। दिन भर खटने के बाद जब लौटता हूँ घर, दिन भर खटने के बाद जब लौटता हूँ घर और जाने अनजाने गुर्रा देता हूँ तुम पर, बहुत बुरा लगता है ना? लगता ही होगा, आखिर तुम्हारे दिन भर जूझते रहने के बावजूद थोड़ी सी बेरुखी भी मुझे अंदर थक्कलती है। आखिर दिन भर
तुम्हारे जूझते रहने के बावजूद तुम्हारी थोड़ी सी बेरुखी भी मुझे अंदर तक खलती है। अब तुम ही बताओ, दुनिया में हम दो ही तो हैं जो दो होकर एक हैं। अब अपने प्रेम के साथ कुछ खुरदुरे होकर भी तो लौटेंगे एक दूसरे तक। चलो हम इस खुरदुरेपन से भी सीखें प्यार करना, देखना बदल जाएंगे हम एक दिन अपने इन्हीं कांटों के साथ सुर्ख गुलाब में। तो ये कुछ कविताएं हैं और ये हाल फिलहाल की कविताएं हैं जो लिखी मैंने। कुछ कविताएं ऐसी हैं जो मुझे पसंद हैं, अपनी कविताएं इसको करूँगा। कुछ कमेंट्स अगर प्रश्न वगैरह हैं तो मैं देख लेता हूँ, अभी कमेंट ही हैं तो जब प्रश्न आएंगे तो मैं देखता हूँ। जैसे बहुत छोटी सी कविता काम और स्त्री, जो मेरे बहुत से साथियों को पसंद आई इसलिए मैं सुना रहा हूँ। मैंने देखा है काम से लौटते अमूमन सबको, मैंने देखा है काम से लौटते अमूमन सबको पर किसी स्त्री को नहीं। मैंने देखा है काम से लौटते अमूमन सबको। मृदुला जी कह रही हैं बच्चों के लिए जो लिखी है वो पढ़िए, ठीक। पर किसी स्त्री को नहीं, मैंने जब भी देखा उन्हें काम पर लौटते देखा। तो ये कविता बहुत छोटी सी है पर मुझे पसंद है तो इसलिए मैंने सुनाई। इसी तरह एक कविता, क्योंकि इस बीच में सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद आत्महत्या पर बहुत बहस चली पूरे उस पर, तो उसको लेकर मैंने बहुत पहले एक कविता लिखी थी। कविता का शीर्षक है आत्महत्या से पहले, तो मैं ये सुनाऊंगा। आत्महत्या से पहले मैं सोचूंगा उस चिड़िया के बारे में जिसे बचपन में मैंने ही नादानी में गुलेल से मार कर नीचे गिरा दिया था। जिसकी चोंच खुली और आंखें फैली रह गई थीं, वह मरना नहीं चाहती थी। जिंदगी की डोर पकड़ने को लड़ती रही, पैरों से धरती घिसटते हुए, पंखों को फड़फड़ाते हुए, देर तक तड़पते हुए। वह मरना नहीं चाहती थी, जिंदगी की डोर पकड़ने को लड़ती रही, पैरों से धरती घिसटते हुए आते हुए, देर तक तड़पते हुए। मैं भर गया था गहरे पश्चाताप से, लाकर कटोरा भर पानी, मुट्ठी भर दाना रख दिया था उसके पास। पर मरने से पहले वह शिकारी के आगे झुकना नहीं चाहती थी। वह दया से मिली हुई नहीं, खुद की गढ़ी जिंदगी जीना चाहती थी। वह जिंदगी के लिए जूझते हुए समय गंवाना नहीं चाहती थी। प्रतिरोधवश उसने दाना पानी नहीं लिया, वह जूझती रही और जूझते लड़ते मर गई। जब भी मैं सोचूंगा आत्महत्या के बारे में, आत्महत्या से पहले सोचूंगा उस चिड़िया के बारे में और फिर अपने शिकारी के बारे में जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। सोचूंगा कि क्या मैं उससे लड़ा, जिंदगी की खातिर क्या कभी हुआ खड़ा, क्या शिकारी के दानों को ठुकरा कभी अपने सिद्धांतों पर मैं अड़ा। सोचूं तो शायद आत्महत्या ही ना करूं, शायद हर एक शिकारी से उम्र भर लड़ूं। तो ये कविता थी जो इस तरह की थी, जो बहुत पहले लिखी थी मैंने। एक कविता जो मुझे पसंद है, सुनो बेटी, बेटियों के ऊपर थी। सुनो बेटी, उसी दिन भाग जाना छोड़कर मुझे और मेरा घर द्वार। सुनो बेटी, उसी दिन भाग जाना छोड़कर मुझे और मेरा घर द्वार, जिस दिन मुझ में यानी तुम्हारे पिता में घुसकर बैठ जाए संस्कृति रक्षक पहरेदार, कोई परिवार रूपी जर्जर साम्राज्य का राजा, कोई परिवार रूपी जर्जर साम्राज्य का राजा या दासियों का सामंत। जिस दिन दिशा दिखाते दिखाते मैं खुद ही बन जाऊं दिशा, रास्ता बदल लेना। जिस दिन वर्तमान होते होते मैं बन जाऊं भविष्य, विद्रोह कर देना। हालांकि मुझे पता है तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, हालांकि मुझे पता है तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। इसमें कुछ पंक्तियां और थीं, पेज अभी हवा से उड़ गया दूर, तो देखता हूँ अभी मिलेगा तो मैं इसको सुनाऊंगा पूरा। तो कुछ कविताएं जो अभी हाल फिलहाल में लिखी हैं,
उनको सुनाता हूँ। थर्ड जेंडर पर केंद्रित कुछ कविताएं मैंने लिखी थी एक दिन। सीरीज़ में है 5-6 कविताएं हैं, लेकिन इसमें से 2-1 कविताएं सुनाऊंगा। तन भीतर मन। वह दिखने में पुरुष था पर खुद में अनुभव करता था एक स्त्री। वह दिखने में पुरुष था पर खुद में अनुभव करता था एक स्त्री। वह स्त्री नहीं था पर अपने पुरुष तन में टटोल नहीं पाता था पुरुष। उसके हाथ हमेशा आती थी एक स्त्री। जब मैं देखता था यहाँ वहाँ क्रूर संवेदनहीन पुरुषों को, दब्बू संस्कारित स्त्रियों को, तो न जाने क्यों वही लगता था सबसे पूर्ण। इसकी दूसरी कविता है इसी सीरीज़ की। उसके तन के भीतर एक मन है और उसके मन से बहुत दूर उसका तन है। उसके तन के भीतर एक मन है, उसके मन से बहुत दूर उसका तन है। उसके मन और तन के बीच एक समाज भी है, जो उनके बीच ताने दूरी खड़ा आज भी है, जो उनके बीच ताने दूरी खड़ा आज भी है। तो ये हालांकि इसमें 5-6 कविताएं हैं इस सीरीज़ की, तो सारी नहीं पढ़ूंगा मैं। एक कविता है, सईद जी कह रहे हैं देखिए हवाओं को भी कविताएं पसंद आ रही। मैं तो फिलहाल कमरे में बैठा हूँ, हवाएं तो अभी मैं जाके देखूंगा बाहर। शुक्रिया आपका। एक कविता, ऐ लड़की। ऐ लड़की एक बात बताओ, ऐ लड़की एक बात बताओ, ये जो बात बात में तुम मुस्कुरा देती हो, ये जो मुस्कुराते हुए शून्य में देखने लगती हो, ये जो हो जाती हो कभी कभी जड़ तुम, और क्षितिज का समस्त सूनापन आँखों में उतार लेती हो। ऐ लड़की ये जो आँखों के पोर तुम्हारे हो जाते हैं जब तब गीले, ये जो गालों की लाली हो जाती है रंगहीन, और तुम हो जाती हो निस्तेज, ये जो गाते हुए भी तुमसे निकल जाता है आह का स्वर। ऐ लड़की ये जो आँखों के पोर तुम्हारे हो जाते हैं जब तब गीले, ये जो गालों की लाली हो जाती है रंगहीन, और तुम हो जाती हो निस्तेज, ये जो गाते हुए भी तुमसे निकल जाता है आह का स्वर। कहीं ये भी तो तुम्हारी कोई अनकही भाषा तो नहीं, कहीं ये भी तुम्हारी कोई अनकही भाषा तो नहीं, कहीं ऐसे भी तो तुम कह नहीं जाती बहुत कुछ, कहीं इसमें भी तो छिपाए नहीं तुमने जीवन के कई रंग। सच सच बताओ मुझे, क्योंकि ए लड़की मैंने पाया है अपनी माँ को भी ऐसे, क्योंकि ए लड़की मैंने पाया है अक्सर अपनी माँ को भी ऐसे, जिसे अब तक समझ नहीं पाया मैं। ए लड़की तुम कैसे सीख गई वो भाषा, जबकि मेरी माँ तो मेरी माँ है। तुम औरतों में क्या है ऐसा जो जोड़ देता है जाने अनजाने तुम सबको, और हम पुरुष समझ नहीं पाते जिसको। ए लड़की आज बताओ मुझे, बता ही दो, वादा है मैं समझूंगा तुमको और बतियाऊंगा उसी भाषा में तुमसे। तो ये कविता थी। एक कविता, मैं कविताएं लगातार सुना रहा हूँ। अच्छा, मृदुला जी कह रही हैं उस सीरीज़ की सारी कविताएं सुना दीजिए। अच्छा, ये मेरे ख्याल से थर्ड जेंडर सीरीज़ की जो मैंने सुनाई थी। हाँ, तो उसमें छोटी छोटी 2-3 कविताएं और हैं उस सीरीज़ की, तो हाँ मैं सुना देता हूँ। 2 तो मैंने सुनाया ही था। तीसरी कविता उस सीरीज़ की है, पूरा व्यक्तित्व लिए हर चौक चौराहे पर खड़ी वह, पूरा व्यक्तित्व लिए हर चौक चौराहे पर खड़ी वह, अपने अलग से दिखते तन मन और हाव भाव से आईना दिखाती है सबको। एक और उसी सीरीज़ की, तन के भीतर रहियो रेमन, तन के भीतर रहियो रेमन, जो लाघेगा अपनी देहरी हिल जाएगी दुनिया सारी, जो लाघेगा अपनी देहरी हिल जाएगी दुनिया सारी, रूठेंगे खींचेंगे सब जन, पर बांधेगा कब तक ये तन, तन के भीतर रहियो रेमन। तो ये थर्ड जेंडर और जो LGBT समुदाय हैं हमारे, उनको केंद्रित कविताएं। एक और इस सीरीज़ में 1-2 कविताएं हैं। कहो लोगों आशीर्वचन चाहिए अपनी नववधुओं नवजातों के लिए, नहीं चाहिए तो बस हमारा होना, कितनी दोगली दुनिया है तुम्हारी, है ना। एक और इसी सीरीज़ की कविता, तुम्हारी भाषा भ्रमित हो जाती है हमारे लिए,
तुम्हारी संवेदना की धार सूख जाती है हम तक आते आते, तुम्हारी दुनिया में जगह नहीं बचती हमारे टिकने के लिए, तुम सा ही दिखते लेकिन तुम में जी नहीं सकते हम, तुम सा ही दिखते लेकिन तुम में जी नहीं सकते हम, कहो जाया है तुमने ही तो फिर सब कुछ छीन क्यों लिया हमसे। तो ये बहुत बड़े प्रश्न हैं उस पूरे समुदाय की तरफ से और उस समुदाय के अंदर जो बहुत सारी विविधताएं हैं उन सबकी तरफ से। इन प्रश्नों को हमें एक समाज के तौर पे सबको डील करना चाहिए, जो मुझे लगता है। देखता हूँ कुछ कविताएं जो मैंने चिन्हित की हैं, इन्हें और सुनाता हूँ। अच्छा, महेश पुनेठा जी कह रहे हैं। जी बिल्कुल पुनेठा सर, जरूर जरूर भेजूंगा। एक छोटी सी कविता, झाड़ू। झाड़ू देखकर मैं प्रेम से भर जाता हूँ, झाड़ू देखकर मैं प्रेम से भर जाता हूँ, दादी याद आती है, जो दुआरा बुहारते हुए पड़ोसी का भी आधा बुहार आती थी। जो तो ये दादी की याद में लिखा था, एक याद आ गई थी तो उस समय। एक तुकबंदी में लिखी थी मैंने कविता, अब पता नहीं वो कितनी बन पाई है कि नहीं, पर ठीक लग रही है मुझे, तो मैं सुना देता हूँ। मानसिक लिंचिंग, जो इस बीच में लिंचिंग की घटनाएं हुई थी पहले बहुत, उसी दौर में लिखी थी। सन्नो जाग रही है इकटक, भाई उसका अभी ना आया, सन्नो जाग रही है इकटक, भाई उसका अभी ना आया, रात हुई दोपहर बीत गए, अभी किवाड़ न खटकाया, मुआ मर गया टीवी वाला, खबर बड़ी मनहूस सुनाए, मुआ मर गया टीवी वाला, खबर बड़ी मनहूस सुनाए, अभी सांझ को एक कबाड़ी भीड़ के हाथों मरा बताए, अभी सांझ को एक कबाड़ी भीड़ के हाथों मरा बताए, उमर भैया भी हाय कबाड़ी, सोच कलेजा मुंह को आया, सन्नो जाग रही है इकटक, भाई उसका अभी ना आया। बता रहे चोरी का शक था, सुना जाए उसका भी हक था, मगर भीड़ का गुस्सा भड़का, नाम विधर्मी जाना जब था, पीट पीट कर जान ले लिया, हाय किसी ने तरस न खाया, सन्नो जाग रही है इकटक, भाई उसका अभी ना आया, सन्नो जाग रही है इकटक, भाई उसका अभी ना आया। भाग कभी खिड़की से देखे, टीवी को झिड़की से देखे, रहा न जाता मगर करे क्या, रह रह कर फिर से देखे, डग भर भर वह घूम रही है, उसने खाना अभी न खाया, डग भर भर कर घूम रही है, उसने खाना अभी न खाया, सन्नो जाग रही है इकटक, भाई उसका अभी ना आया। हुई अचानक थोड़ी हलचल, आई दरवाजे पर हलबल, देखा भैया उमर खड़े हैं, लिपट पड़ी वो रोकर बिहबल, पूछे भाई हुआ क्या बहना, समझ में उसके कुछ ना आया, सन्नो जाग रही है इकटक, भाई उसका अभी ना आया। तो एक कुछ तुकबंदी और उसमें लिखने की कोशिश की थी, हालांकि मैं उसमें पारंगत नहीं हूँ इस विधा में। एक कविता जो भी लिखी थी उसको सुनाता हूँ। आम का पेड़, एक स्मृति आधारित कविता है। काटा जा रहा है आम का पेड़ क्योंकि वो आ रहा है बन रही दीवार के रास्ते में, काटा जा रहा है आम का पेड़ क्योंकि वो आ रहा है बन रही दीवार के रास्ते में, ओह आ नहीं रहा, पेड़ भी भला कहीं चलते हैं, दीवार आ रही है उससे होते हुए, पर दीवार भी कहाँ चलती है, ये तो हमारे रहन का विस्तार आ रहा है आम के पेड़ तक, पेड़ पर पड़ रही है कुल्हाड़ी और पड़कर गढ़ रही है कुल्हाड़ी, हर वार से हिलता है कुछ कांपता है पेड़ का तना, उसके पत्ते और पत्तों में छिपे नीड़, उड़ रहे हैं परिंदे पूरे कुनबे को लिए होकर बेचैन,
कट रहा है आम का पेड़ और कटते पेड़ से जुड़ रही हैं मेरी स्मृतियाँ। यहीं माँ खिलाती थी दूध भात मुझे बैठ कर जड़ों पर इसकी, इस पर पड़े झूले में पौड़ कर हम अक्सर छू लेते थे आसमान। यहीं इसके नीचे खेलता था मैं छुपन छुपाई, गुल्ली डंडा, सित्तल, लंगड़ी, लंगड़ी गिट्टी और अब मेरे बच्चे भी। यहीं तो मेरे विवाह के बाद सुनी गई थी कथा सत्यनारायण की और चमका था प्रिया का अलौकिक सौंदर्य यहीं पहली बार। यहीं इसी के नीचे रखा था दादा का निर्जीव शरीर भी घंटों, सूरज इससे लसकर ही चढ़ता उतरता था रोज, चांद आकर बैठता था इसकी फुनगी पर और बतियाता था पूरी रात। ओह, अब मेरी स्मृतियों तक चली आ रही है कुल्हाड़ी की आवाज़, उसकी चोट। नहीं नहीं, बचा लो हमें, चिल्ला रहा है कोई, शायद मेरी स्मृतियाँ हैं, वह आम का पेड़ कुछ नहीं कह रहा। शायद मेरी स्मृतियाँ हैं, वह आम का पेड़ कुछ नहीं कह रहा। पेड़ बोलते कहाँ हैं, उनकी स्मृतियाँ बोलती हैं, उनकी आवाज़ आ रही है मेरी अंतरात्मा तक। रोक कर अपने रहन का विस्तार, बचा लो हमें, बचा लो, रोक लो कुल्हाड़ी। यह आवाज़ मेरी अंतरात्मा से निकल कर अब आच्छादित कर रही है सभ्यता को। पता नहीं मैं हूँ कि पेड़, पता नहीं मैं हूँ कि पेड़ की जड़ता मुझ में आ गई है। तो ये कविता थी जो अभी हाल फिलहाल में लिखा था मैंने। तो मुझे लगता है कि मैंने आधे घंटे का समय ले लिया है, क्योंकि 35-40 मिनट के रेंज में ही मुझे अपनी बात रखनी थी और 4 बजे मैंने लगभग एग्जैक्ट शुरू कर दिया था, तो मैंने कर दिया है, समय ले लिया है अपना पूरा, क्योंकि लिखने वाले पर तो कविताएं हैं तो सुनाते रहेंगे ज़्यादातर। तो बहुत सी उत्साहवर्धक आप लोगों की टिप्पणियाँ आई हैं, उसके लिए मैं आभारी हूँ। चूँकि कहा था मृदुला मैम ने, तो उनके कहे का मान रखने के लिए मैं किताब से जो आई है बच्चों वाली कविताएं, उसमें से एक दो और मैं एक सुनाऊंगा और उसके बाद फिर मैं डिस्कनेक्ट करूंगा। शिक्षा का जादू। शिक्षा जादू है, ऐसे ही सुना दे रहा हूँ किताब से जो निकल गया सामने। शिक्षा जादू है जो पैदा कर देती है 2 से ज़्यादा आँखें। शिक्षा जादू है जो पैदा कर देती है 2 से ज़्यादा आँखें, जिससे हम देख सकें दुनिया के एक नहीं अनंत सिरे। वह उगा देती है हमारे कई कई हाथ, जो बन सकें अपना ही नहीं गैरों का भी संबल। शिक्षा जादू है जो पैदा कर देती है 2 से ज़्यादा आँखें, जिससे हम देख सकें दुनिया के एक नहीं अनंत सिरे। वह उगा देती है हमारे कई कई हाथ, जो बन सकें अपना ही नहीं गैरों का भी संबल। शिक्षा कर देती है हृदय के समुद्र को और गहरा, समा सके जिसमें हर किसी की वेदना। वह भर देती है हम में हौसला ऐसा, जो टकरा सके सत्ता और अन्याय की हर एक दुर्भिसंधि से। शिक्षा साकार करती है एक बेहतर दुनिया का सपना। शिक्षा साकार करती है एक बेहतर दुनिया का सपना। इसीलिए कहता हूँ खूब पढ़ो मेरे समय के बच्चों। देवेंद्र जोशी जी कह रहे हैं अपनी कविता संग्रह के बारे में बताएं, तो संग्रह यही है, इसमें उल्टा दिख रहा होगा नाम। मैं सीखता हूँ बच्चों से जीवन की भाषा, बोधि प्रकाशन से आई है नवंबर 2019 में। 70 कविताएं हैं इसमें, सभी कविताएं शिक्षा के विषय पर हैं। मैं सरकारी स्कूल में टीचर हूँ, पढ़ने पढ़ाने के दौरान बच्चों से डील करते हुए, उनसे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होते हुए, उनके साथ जो कुछ अनुभव हुए, जो कुछ शिक्षा और बच्चों के बारे में जो विचार आए, उनको समय समय पर लिखता रहा और एक संग्रह इस तरह से तैयार हो गया। तो ये संग्रह निकला है, मैं सीखता हूँ बच्चों से जीवन की भाषा। तो अच्छा, गुलाब जी कह रहे हैं विकलांगता पर कोई कविता क्यों नहीं लिखी। बड़ा वैसे बेहतरीन सवाल है और लिखी जानी चाहिए, और शायद ये सीमा है, मुझे लगता है, मैं याद कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ तो मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कुछ लिखा है। तो बिल्कुल सही कहते हैं, ज़रूर लिखा जाना चाहिए। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सब लोग इतने देर तक साथ बने रहे और सुना मुझे,
और इतनी उत्साहवर्धक टिप्पणी आई। सईद अयूब जी साथ में रहे, मृदुला जी साथ में रहीं, और भी बहुत से लोग जिनका नाम छूट रहा है, और संध्या मैम थी, और कामराजू भाई थे, मनकामना जी, देवेंद्र जोशी जी, प्रभात कुमार जी, चितरंजन गोपे सर आए, शुक्रिया सर आपका, महेश पुनेठा सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में और बाल साहित्य के क्षेत्र में, सर से बहुत सीखता रहता हूँ मैं, लोकेश जी साथ में थे, पुनीत जी थे, महेश, तो जितने नरेंद्र नरेश भाई थे, तो जो जिन लोगों ने भी सुना सबका शुक्रिया, रविकांत जी थे और बाकी साथी जिनका नाम नहीं मिल पाया, तो आप सबका आभार, थैंक यू।